दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक एक्सेल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आईक्यू G7 प्रो बहुत सारे लोग बहुत पहले से वेट कर रहे थे इसका। अब आईक्यू ने टीजर डालना चालू कर दिया है, इसके बहुत सारे न्यूज भी दे दिए हैं, बहुत सारी चीजें भी आ गई हैं, लेकिन अभी तक इसका फर्स्ट लुक नहीं आया। मतलब रियर साइड से डिस्प्ले तो बता दिया कि कर्व डिस्प्ले आने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि पीछे से कैसा दिखता है। अब आईक्यू और पोको की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये रीब्रांडिंग वाले स्मार्टफोन लाते हैं, ये खुद का कुछ लाते नहीं है, ये रेडमी वीवो इन सब की रीब्रांडिंग लेकर आते हैं। तो आईक्यू भी उसी में ही है। तो वीवो का स्मार्टफोन जो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है उसी को रीब्रांड करके आईक्यू G7 Pro के नाम से इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। एंड ये स्मार्टफोन कौन सा होगा, क्यों होगा, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्मार्टफोन का नाम होने वाला है वीवो S17e। ये चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, हूबहू वही स्मार्टफोन है। अभी कुछ दिन पहले आईक्यू ने आईक्यू G7 Pro के लिए टीजर डाला था, एक फोटो डाला हुआ था माइक्रोसाइट, अगर आप ध्यान से देखते हो जूम करके तो इसमें दिख रहा है ड्यूअल कैमरा है पीछे साइड में। चिपसेट आपको मालूम है डायमेंसिटी 7200 है एंड कर्व्ड एमोलेड। यही स्मार्टफोन, यही स्पेसिफिकेशन चाइना में वीवो S17e जो लॉन्च हुआ है ना उसका है स्पेसिफिक एग्जैक्ट सेम। अगर आप ध्यान से देखते हो उसको तो आपको पता चलेगा, इमेजेस में साइड में आपको दिखा दूंगा। यही स्मार्टफोन इंडिया में आईक्यू G7 Pro के नाम से आने वाला है। क्या चीजें मिलेंगी इसमें आपको, 6.78 इंच का एमोलेड का 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा, 300Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा, पंच होल के साथ होगा, दिखेगा अच्छा, मतलब पसंद आएगा आपको, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ इन सारी चीजें। चिपसेट जैसे मैंने बताया डायमेंसिटी 7200 पहले से स्कोर टीज कर रहे हैं कि 7 लाख के आसपास का स्कोर होगा, तो अच्छा परफॉर्मेंस है, वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे, गेमिंग वेमिंग सब कर पाओगे। एंड्रॉइड 13 के ऊपर आएगा जो कि उनका खुद का फ्रंट टच ओएस 13 है ना उसके ऊपर आने वाला है, तो थोड़े से ब्लोटवेयर रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर पाओगे, चलिए अच्छी बात है, परफॉर्मेंस सही रहेगा, वहाँ पे इश्यूज नहीं है। कैमरा 64 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा होगा OIS के साथ, लेकिन 64+2 का जो आईक्यू ने टीजर डाला है माइक्रोसाइट, अगर जूम करते हो तो आपको पता चलेगा उसमें भी डुअल कैमरा है, और कैमरा के नीचे थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल में स्पेस है, ध्यान से देखो, जो कि वीवो S17e में भी वैसा ही है, चलिए अच्छी बात है। एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा, रियर से 4K, फ्रंट से 1080 कर पाओगे, बुक ऑटोमाइज सब कर लोगे, इश्यूज नहीं आएंगे। कैमराज भी डिपेंड करता है कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन सेंसर सही रहेंगे। इसके बाद आपको 4600mAh की, हाँ 4600mAh की बैटरी रहेगी। इसके साथ साथ 66W का फास्ट चार्जर रहेगा टाइप सी के पोर्ट के साथ, तो डिसेंट बैटरी, अच्छा फास्ट चार्जर और टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स की बात करोगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, हेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब देखने को मिल जाएगा। 3.5mm जैक नहीं रहेगा, कार स्लॉट एक्सपांडेबल नहीं रहेगा, जो चीज़ आएगा मेरे ख्याल से 8128 या 8256 से स्टार्ट हो सकता है। प्राइसिंग आपको इसके 25,000 से चालू होगी, यही प्राइस करीब करीब चाइना में भी था वीवो के नाम से, तो वीवो के नाम से थोड़ा महंगा आता है आपको पता होना चाहिए, तो आईक्यू के नाम से भी पॉसिबली इसी प्राइस पे स्टार्ट होगा इंडिया में भी। वेट कर लेते हैं, 31 अगस्त को लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको बता दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया कि यही स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है आईक्यू G7 Pro के नाम से। बाकी आप बताओ, अगर ये 25,000 के आसपास की प्राइस पे लॉन्च होता तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा, कैसा लगा स्मार्टफोन आपको, कैसे लगे स्पेसिफिकेशंस, एंड वेट करोगे इसका कि नहीं, जरूर बताना। साइड में देखो वेक्टर इमेज भी है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।